अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को और वेलकम टू अपना कुकिंग चैनल। तो आज जो हम एक खाना व्लॉग ही है, तो मैंने सोचा कि ये भी शेयर करूं आपसे। तो सबसे पहले आज जो मैंने काम स्टार्ट किया वो मैंने अपनी लॉन्ड्री डाल दी, ताकि मेरे काम करते करते वक्त तक ये लॉन्ड्री भी आराम से हो जाएगी और फिर मैं आकर इसको ड्रायर में डाल दूँगी। तो आज मुझे सारे अपने कुल कवर वगैरह धोने थे, इसलिए एक बड़ा बैग मैंने डाल दिया है। अब ये आराम से 45 टू 50 मिनट्स तक वॉश होता रहेगा, उसके बाद मैं आकर इसको ड्रायर में डाल दूँगी। तो आज का काम जो है सबसे पहले मैंने यहीं से शुरू किया है, उसके बाद मैं दूसरे काम स्टार्ट करूंगी, यानी कि सारे काम तो हो ही चुके हैं, अब से मुझे थोड़ी सी कुकिंग करना है। कुकिंग भी आज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल जो मैंने डिनर बनाया था वो काफ़ी सारा लेफ्ट ओवर रह गया था। तो बस आज मुझे एक चनों वाली चाट बनानी है, जिसके अंदर मिर्ची वगैरह की चटनी डलती है। तो चलिए नीचे चले जाते हैं अपने किचन की तरफ और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो है सन बहुत ही अच्छा सा शाइन कर रहा है और थोड़ी सी ठंड मिला जुला मौसम है, गर्मी और ठंडे से मिला हुआ मौसम है। तो चलिए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चने वाली चाट बनाने वाली हूँ, ये बिल्कुल वैसे जैसे कि कराची में जो ठेले वगैरह पे मिलती है उस तरह की ये चाट है। बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही अच्छी खट्टे मीठे से इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक है, जिसके अंदर ग्रीन चटनी और टैमरिंड की चटनी सब डलती है। और मैं जब एक बार किसी के चाट खा रही थी तो वो चाट लेने के वक्त वो ये ज़रूर बोलते थे कि चाट को पूरा मिक्स मत करें, चाट को इसी तरह से खाएं, कहीं से मीठा, कहीं से तीखा, कहीं से सावर जो टेस्ट आता है उसका मतलब चाट होता है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनके ये एडवाइस हमेशा याद रखी है और मैं बिल्कुल बगैर मिला ही सर्व करती हूँ, सब कुछ डाल देती हूँ और अपनी आप अपनी मर्ज़ी से इसको मिलाकर खाएं। ये बहुत ही जल्दी और ईजीली बन जाता है, क्योंकि अब तो जो चने हैं वो कुक हुए हुए टिन में भी आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने बड़े वगैरह सब डाले थे, जैसे बिल्कुल के जो हम कॉलेज वगैरह में खाते थे बिल्कुल वैसा ही है। और चने भी इसके अंदर मैंने गरम ही यूज़ किए, क्योंकि आपको पता है कराची में तो ये गरम ही चने इस्तेमाल होते थे और यहाँ पर जो है वो ठंडे चने इस्तेमाल होते हैं। तो फिर वो आपका जो पुराना टेस्ट होता है वो इतना सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसलिए जब घर में बनाते हैं तो इसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि चने अच्छे इस तरह से गले हुए हों और फिर इसको मैं गर्म भी रखूँ। तो मैं टिन वाले चने इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा से एक बार से इसका जो प्रिजर्विंग वाटर होता है उसको ड्रेन करके दोबारा से फ्रेश वाटर में मैं गला लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल ही मशी से हो जाए। तो उसके बाद इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपको थोड़े से हार्ड चने पसंद है तो आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है, बल्कि ये मेरा जो है कॉलेज और स्कूल का टेस्ट है, जो कि मैं मेरे ज़बान पे अब तक है, तो मैं उसी तरह ही बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ना कुछ बड़े भी लिए थे, और जो कि मैं पहले ही बनाकर मैंने इसको स्टोर किया हुआ था, बस इसको बनाने से पहले मैंने उसको फ्रीजर में से निकाल कर और गर्म पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया था, ताकि जब मैं प्लेट को जो सर्व करूँगी तब उसके बाद इसको पानी में छोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसके साथ मैंने सैलड वगैरह काट लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका एक प्लेटर सा बना लिया है, इसमें मैंने इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, टमेटोज
और फटी हुई दही और जो मैंने आपको बड़े बताए वो भी मैंने इसके अंदर रख लिए थे, और चाट मसाला और भुना मसाला और नमक एक्स्ट्रा और जो रेड चिली पाउडर होता है वो भी मैंने इसके साथ ही रख लिया। साथ में आलू भी बॉईल करके रख लिए, प्याज के सैलड काट के रख ली। आलू जो है मैं बिल्कुल साबित बॉईल करती हूँ और उसके बाद छिलका उतार के काटती हूँ, उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए। तो ये सब जो है इंग्रेडिएंट आप सबके पास अभी बिल्कुल ही मौजूद होंगे, क्योंकि रमज़ान तो सब जगह ही सेलिब्रेट हो रही है और सभी लोग ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, पापड़ी ये सब अपने घर में बनाते ही रखते हैं। तो बस इसको एक आप प्लेटर सा बना लें और फिर इसको जब भी सर्व करना हो तभी उनको जिसको भी देना है उसकी प्लेट में हर चीज़ अलग अलग डाल के फिर दही चटनी हरा धनिया वगैरह सब डाल लें, और उसके ऊपर से आप जो रेड चिली पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट है और थोड़ी सी जो है चाट मसाला है और जो आप घर में भुना मसाला बनाते हैं वो थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत ही मज़े की चाट बनती है। देखिए मैंने प्लेट में सबसे पहले चने लिए हैं और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से गले हुए आलू डाल दिए हैं, और इसके बाद ऐसा ऐसा जो भी आप अरेंजमेंट रखना चाहें। फिर इसके अंदर जो है मैं दही बड़े जो बड़े मैंने सोख करके और फिर इसका पानी निकाल के रखा था वो डाल दूँगी, और इसके बाद जो है बाकी के प्याज हरा धनिया हरी मिर्च वो सब डाल के चटनी मुझे जितनी चाहिए होगी वो डाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर बड़े डाल दिए हैं, अब इसके अंदर फिर मैं सारे सॉसेस डालूँगी, यानी कि इमली की चटनी हरे धनिया की चटनी ऐसा ऐसा सब डाल के एक बहुत ही मज़ेदार सी प्लेट में तैयार कर लूँगी, जो कि खट्टी मीठी तीखी हर तरह से है। ये देखिए मैंने पापड़ी डाल दिया है, तो देखिए कितनी जल्दी से जो सेकेंड अशरा है वो भी गुजरता जा रहा है। जो तीसरा अशरा है रमज़ान का, उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि आप लोग अपने आप को मज़बूत रखें, क्योंकि वो अशरा जो है बहुत सारी इबादतों का अशरा होता है, शबीना ताकरातों का अशरा होता है। तो हम सबको अल्लाह तौफीक दे हमारी सेहत में इतनी हिम्मत हमें कुव्वत दे कि हम ये अशरे को पा सकें, अपनी इबादतें मजबूत कर सकें, अपने लिए रहमत और मगफरत मांग सकें, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगियां मांग सकें। और जो आजकल एक वबा पूरी दुनिया पे छाई हुई है कोरोना, अल्लाह ताला उस से तमाम बनी नौ इंसान को बचा दे, महफूज कर दे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें नेक और साले लोगों में जगह दे। अल्लाह ताला ये जो अशरा है हम सब के लिए बहुत मगफरत का अशरा हो, हमारी कब्र के अज़ाब से बचने के लिए अशरा हो, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तमाम बातों पे अमल कर सकें। हम मैं भी आपको बहुत दुआओं में याद रखूँगी, आप भी मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए। अल्लाह ताला हमें फिर से दोबारा से रमज़ान और इसकी बरकतें रहमतें देखना नसीब करे। तो देखिए बातों के साथ साथ ये सब काम भी होते जा रहे हैं, और अब मैंने इसके अंदर चाट मसाला दही और मैंने जो भुना मसाला बना के रखा था वो भी डाल दिया है। भुना मसाले की रेसिपी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल से हमारे जो है चटपटी बंस रोट वाली जो चाट है वो बिल्कुल ही तैयार हो गई है, और माशाल्लाह से इसका जायका बहुत ही अच्छा था,
बहुत ही मज़े की थी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही इजी से और जल्दी से बन जाने वाली बेहतरीन तरह की चाट है, आपको ज़रूर मज़े की लगेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग शायद पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी चैनल पे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।